आ जाओ दिखा दूंगा। आप लोग थंबनेल देख कर समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस पर बन रही है। जी हाँ गाइस, ये वीडियो ग्रैनी चैप्टर 3 ट्रेन एस्केप ऊपर बन रही है। और गाइस, इस गेम में कौन कौन से करेक्टर हैं, कौन कौन है इस गेम में, मैं आपको बता दूं। इस गेम में ग्रैनी, ग्रैंडपा एंड स्लेंडरीना है। स्लेंडरीना साइज से उनकी डॉटर है। और ग्रैंडपा, ग्रैनी, भाई साहब बहुत ही मस्त रोल है भाई साहब इनका। हमारी ग्रैनी जो है उसके पास भाई साहब एक खूंखार खच्चर वाला बैट है, और ग्रैंडपा जो है, और ग्रैंडपा के भाई साहब शॉर्ट गन। और गाइस, इतना आलीशान घर है ना गाइस, घर में ही ट्रेन बना ली इन लोगों ने, पता नहीं कहाँ से ट्रेन लगाई, बट जो भी है बहुत मस्त घर है भाई साहब। अभी हमको यहाँ पे, अरे भाई भाई स्लेंडरीना गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ लगता तो नहीं है यहाँ पे कुछ होगा। अभी हम लोग इस बेसमेंट के सहारे चलते हैं गाइस, बहुत मस्त घर है। पूरी वीडियो देखो गाइस, मैं पूरे घर का इंट्रोडक्शन कराऊँगा, पूरी चीज़ बताऊँगा, गेम की हर एक चीज़ बताऊँगा। और गाइस, अभी तक की हमारी मुलाकात ग्रैनी ग्रैंडपा से तो नहीं हुई, खैर, और मैं चाहता हूँ ये बरकरार रहे, मेरी उनसे मुलाकात हो भी ना, क्योंकि भाई साहब वो लोग तो बहुत बच गए भाई साहब। भाई साहब यहीं पर खड़े थे, ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों गाइस यहीं पर खड़े थे, और मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुझे देख लिया, इसीलिए मैं इसमें छुप जाता हूँ अभी। सासे भाई उन्होंने मुझे देख लिया था। अभी हम लोग इस घर की लिफ्ट में हैं, जो किचन से होते हुए सबसे ऊपर जाती है टॉप फ्लोर पे। और ये गाइस, ये फर्स्ट फ्लोर है गाइस, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, और इनमें कुछ है, इनमें गाइस कुछ नहीं है भाई साहब। घर तो यार आप लोग देखोगे ना तो कसम से मज़ा आ जाएगा, घर इतना मस्त घर है भाई साहब। और गाइस, जब तक कि हम लोग पहले इस गेट को खोल लेते हैं। खोलो भाई, खुल जाए यार, खुलियो सिम सिम। गाइस, मुझे बस इस घर में यही नहीं पसंद कि जो इसको खोलने में इतना टाइम लगता है गाइस, बस इसमें यार मेरे को थोड़ा दिक्कत आती है, बस इसमें कुछ होगा सा यार। यार कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, इतनी बुरी किस्मत तो किसी की नहीं होगी जितनी मेरी है। और गाइस चलो गाइस, हम लोग टेरेस पे आ चुके हैं, और ये देखो भाई साहब कौवा बैठा है। और नाना जी कैसे हो गाइस? ये मेरे नाना जी नहीं है, ग्रैनी ग्रैंडपा के नाना जी हैं, और ये उनका पेट है भाई साहब। मैं नाना जी बुलाता हूँ, मैं इन्हें नाना जी बुलाता हूँ भाई साहब, मैं कौए को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ भाई यार। चलो कोई नहीं, कौआ तो कौआ है, उसको रिस्पेक्ट देना हमारा काम है। और गाइस, इस टूटी फूटी गड्डी में हमको वेपन की मिल चुकी है, अभी इसको लेकर चलते हैं फटाफट से। ग्रैनी 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 गाइस, ग्रैनी आ चुकी है, और ग्रैनी से बच के हम लोग भागते हैं अभी फ़िलहाल के। हमको गाइस, ये जिस वेपन की है उससे गाइस पत्थर चलते, और हम लोग ये पत्थर पहले बीनेंगे, इनको उठा लेते हैं, स्टोन है ये, ठीक। तो ये गाइस, पहले हम लोग दो चार पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे वेपन लेने। उसके बाद जब वो वेपन ले लेंगे तो सबसे पहले ग्रैंडपा को मारेंगे गाइस, ग्रैंडपा को मारेंगे, या फिर सामने जो भी आता है उसे मारेंगे। और गाइस अभी चलते हैं, फिलहाल हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लेते हैं वेपन। अबे भाई भाई बचो बचो, अरे यार बच गए भाई साहब, ग्रैंडपा सामने ही घूम रहा था भाई साहब अपने। और गाइस, ये ग्रैंडपा का रूम है, इसमें से हम लोग वेपन लेंगे, फटाफट से अपना वेपन उठाते हैं और उनकी समाधि बनाते हैं। गाइस, ग्रैनी ग्रैंडपा मुझे बहुत मारा है भाई, उन्होंने मुझे बहुत मारा है यार, कसम से बता नहीं सकता मैं, इतना मारा है भाई साहब उन्होंने मुझे यार। भाई शिट यार गाइस, मेरा डेट 2 चालू हो चुका है, ग्रैनी ने मुझे फिर से मार दिया। मैं बोल ही रहा था कि गाइस वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, और बता ही रहा था मैं भाई आप लोगों को। अरे यार स्लेंडरीना भाई साहब, यार मुझे समझ में नहीं आता इस घर में होता क्या रहता है भाई साहब, बहुत ही भयानक चीज़ें होती हैं। आप अगर खेलोगे तो कसम से आप समझ में नहीं आएगा कुछ, पल्ले नहीं पड़ने वाला ये गेम इतनी जल्दी, बहुत टाइम लगता है भाई साहब एक स्केप करने में। यार ट्रेन की गाइस, यार ट्रेन की है, इसको ड्रॉप करते हैं क्रोबार। ओके दोबार काम है, हाँ शायद से, हाँ ये ऊपर वाला जो बॉक्स है इसे ओपन करके देख लेते हैं, शायद इसमें कुछ ठीक ठाक निकल आए। नारियल कोकोनट गाइस, कोकोनट है इसमें। अभी चलते हैं ऊपर,
फटाफट से इसको इसको हाँ गाइस इसको नीचे ड्रॉप कर देते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं नीचे पड़ा। ओ भाई साहब सिलेंडर फिर से आई थी। अभी हम अपना वेपन उठाते हैं फटाफट से और चलते हैं ऊपर ग्रैनी या फिर ग्रैंड पर, जो भी आएगा उसकी वाट लगाएंगे। उसके बाद भाई साहब और चार गाइस डे थ्री चालू हो गया है। गाइस गाइस यार मैं कभी भी सोचता हूँ कि लव ग्रैनी को मार दूँ, ग्रैंडपा को मार दूँ, बट मार ही नहीं पाता भाई साहब। वो पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं यार एकदम से। बताओ भाई जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए, एकदम से सामने आ गए भाई। मैं सोच रहा था जाके मार दूँगा फिट से, हलुआ समझ रखा है गया भाई साहब ग्रैनी एंड ग्रैंडपा भाई। अरे यार स्लेंडरी ना तुम सेंडरी ना तो भाई बहुत परेशान करती है कसम से। आओ ग्रैनी आ ग्रैनी आ हाँ ग्रैंड गाइस इनके पत्थर पड़ते हैं तो ये बेहोश हो जाते हैं। और भाई साहब इनकी कपड़ी बच चुके हैं भाई, कान के बगल से निकल के गई थी मेरी शॉर्ट गन की एमो भाई, तेरे भी कान के बगल से निकालूंगा भाई साहब मैं। और ग्रैनी के हेड पे लगाया मार पैट से हेडशॉट, ग्रैनी ख़त्म भाई। यार कसम से बहुत ही खातक सीन हुआ भाई, मैंने मार गिराया भाई दोनों को मार दिया भाई साहब। इसके लिए एक लाइक तो बनता भाई साहब, वीडियो में एक लाइक तो ज़रूर कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है। अभी चलते हैं इनके कौवे को उड़ाने के लिए, जो हमारे नाना जी हैं, हमारे नहीं सॉरी इनके नाना जी हैं गाइस मैं अभी भूल जाता हूँ। और गाइस ये बैठे ग्रैनी ग्रैंडपा के नाना जी काले कौवा। उड़ जा काले कावा गाइस, मैं तो गाना गा रहा था उड़ जा काले कावा, ये तो फट गया भाई साहब, कौवे को गोली मारी भाई साहब वो तो फट गया बीच से। अभी ये आशेड की है, इसको लेकर चलते हैं उस लकड़ी वाले घर में। ये गाइस मुझे याद आ गया ये लकड़ी वाले घर में लगेगी कि, और गाइस इसे उस घर में लगाकर हम लोग फटाफट से वहाँ जो कुछ होगा उसे लेकर हम फटाफट से अपने एस्केप को ख़त्म करके अपने फटाफट से। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, क्या ही बोल रहा हूँ गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या ब्लब ब्लब ब्लब। गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं, स्लेंडरीना को उसमें डालेंगे और स्लेंडरीना आइला मेरी जाना आइला, वो मुझे गाइस वो वाला मेम भी नहीं याद। ये भाई साहब जा रही स्लेंडरीना, चुम्मी तो कतई नहीं लूँगा भाई साहब। चलो अभी ये कौन सी की थी, पैडलॉक की गाइस, पैडलॉक की है, इसे लगाते हैं नीचे। तो किधर से जाएं, इधर से जाएं इधर ही चलते हैं गाइस फटाफट से। नीचे आ गया अपन लोग, गेट से चलते हैं देखते हैं। ओ भाई बच गया भाई ग्रैनी, कसम से भाई आज लक बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा क्या बैड लक चल रहा है भाई साहब। दो बार ग्रैनी मार चुकी है मुझे गाइस, ग्रैनी दो बार मार चुकी है इसे, कौन सा लक बोले भाई साहब आप ही लोग कमेंट में बताओ इसे कौन सा लक बोले। बच भी जाता हूँ मर भी जाता हूँ दोनों ही काम मेरे साथ हो रहे हैं भाई साहब। अभी इस टेबल के नीचे से निकलते हैं और ये गाइस यहाँ पे हमने इसको खोल दिया, ये हम लोग यही रूम था। और क्रोबार लेते हैं, चलते हैं सबसे टॉप का जो बॉक्स है उसे ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं शायद से कुछ हमारे मतलब की चीज़ निकला है भाई साहब। ज़्यादा बेटर है वरना मेरे को बहुत घूमना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं मिला भाई साहब, मुझे कुछ भी नहीं मिला यार, कसम से बहुत बुरा सीन हो रहा भाई के साथ। तुम्हारा भाई परेशान है। एक लाइक तो दे दो यार, हम लोग ऊपर आए हैं। और इसी बॉक्स की मैं बात कर रहा था, अकॉइन गाइज अकॉइन मिल चुका है हम लोगों को कॉइन मिल चुका है गाइस, ना आप लोगों को ना हम लोगों को, मुझे कॉइन मिला गाइस मुझे। और ये कॉइन मैं क्या करूँ गाइस, यहाँ पे तो कुछ टेढ़े मेढ़े या फिर क्या गाइस, मेरा फेवरेट पता नहीं गाइस क्या, ये याद नहीं आ रहा। और ये कॉइन इसको दे दिया, ये बटन प्रेस की अ ट्रेन टिकट गाइस, ट्रेन टिकट मिल चुकी है, इस डिब्बे को देते हैं ट्रेन की गाइस, हमने इसको दे दी और ये ट्रेन को दे देगा भाई। मुझे बस इस गेम में ट्रेन ही अच्छी लगती है,
जो कि सबसे खास है, मेरी फेवरेट ट्रेन। मुझे ट्रेन में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है, और ये ट्रेन तो कसम से बहुत ही जहरीली ट्रेन है। रेड कलर की पूरी भाई साहब ट्रेन है, पता नहीं कौन से सन की ट्रेन है। अभी हमने ट्रेन की लगा दी, अभी हमको चाहिए स्विच एंड एक्सीलेटर एंड हमारी वो इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको हम लोग आखिरी में बताएंगे। गाइस वीडियो में एंड तक बना रहना, बहुत मज़ा आएगा। और भाई मज़ा अभी किनारे हो जाता है सारा। ग्रैनी आ गई थी गाइस, ये देखो, आजा ग्रैनी आजा रे, आजा ग्रैनी आजा। अरे ग्रैनी ग्रैनी ग्रैनी, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा। गाइस ये इतनी धीरे चलती है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत धीरे चलती है यार, बहुत धीरे चलती है भाई। कोई नहीं, बुढ़ापे में हर कोई धीरे चलता है। तो ग्रैनी भी अपनी चली गई धीरे। अभी ग्रैनी को हम लोग बेवकूफ बना देंगे। ये ग्रैनी इधर आई और हम लोग इधर से गायब हो जाएंगे गाइस। कल्टी मार लेंगे इधर से। एक बार ये स्केप ख़त्म होने दो, फिर मैं दिखाता हूँ भाई साहब, फिर मैं अपनी पावर दिखाता हूँ गाइस। ओके गाइस, चलते हैं फटाफट से। और इसमें हम लोग इस नारियल को फंसाएंगे, इसे चलाएंगे, और ये क्रिकाच हमारी सेफ की। ये गाइस कहाँ लगती है, कहाँ लगती, कहाँ लगती, कहाँ लगती, कहाँ लगती है? ये लगती है बाथरूम में गाइस, याद आ गए। ये लगती है बाथरूम में, और ये रहा हमारा बाथरूम सामने, जस्ट हमारे सामने है गाइस। सिम सिम खुल जा आई गाइस। तार निकला जो कि हमारे किसी काम का नहीं, वायर, बट ये तो है काम का। ओके गाइस, इससे क्या करेंगे, इससे गाइस वो जो क्या कहते हैं यार इन्हें कहते क्या हैं, ये जो सामने रखे हैं जिनमें मार रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा गाइस इन्हें कहते क्या, इन्हें कहते हैं फ्लावर पॉट गाइस। ये पॉट है, और दूसरा वाला पॉट उस रूम में, हम लोग टेरिस से जाकर उस छत में, सॉरी हाँ उस छत से उस रूम में कूदेंगे धीरे से, और उस पॉट को नीचे लेकर उसमें तेल भरकर उन्हें रखेंगे। उसके बाद गाइस उसमें से हमें कुछ मिलेगा। अरे यार चुक गया, निशाना चुक गया गाइस। कोई नहीं, तुम्हारा भाई दोबारा जाएगा। ओके पहले वो वाला पॉट ले लेते गाइस, हाँ पहले वाला पॉट लेते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। उठ गया भाई, आवाज़, इसे आवाज़ कहते हैं इंग्लिश में, मुझे याद तो था मगर मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी गाइस मुझे याद नहीं आ रहा था। वॉस वॉस वॉस। ओके गाइस इसे चलते लेकर फटाफट से वहाँ पर लगाते हैं। और अभी तक के मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया गाइस कर दो यार, इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। प्लीज़ गाइस, हम लोग बेसमेंट में आ चुके हैं अपने इस चेते वाले वॉस को लेकर। इसे लगाएंगे, इस पे रखेंगे, लग जा। और गाइस ये देखा आप लोगों ने, ये नीचे दबा, इसका मतलब गाइस कि ये वॉस हमारा काम कर गया। अभी हमको दूसरा वॉस लेके आना है, और उससे पहले हमारे पास ये है गाइस, हमारे पास एक, ओ भाई ग्रैंडपा बचे भाई, मगर ग्रैंडपा के पास गन नहीं तो बहुत गंदा लगता है ग्रैंडपा देखने में। एकदम हाथ नीचे सीधे बच्चों की तरह सीधे चल के आता है गाइस, मुझे ऐसे नहीं पसंद। मुझे ग्रैंडपा तभी पसंद है जब उसके पास शॉटगन होती है। और गाइस अभी हम लोग जाएंगे दूसरा वाला पॉट उठाएंगे, उस पर पहले हम लोग उस गिराएंगे गाइस। अभी हम मैं अपना वो लेने आया था जो वेपन है, वो वाला तीर बाण जो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ जो कुछ कहते हैं मुझे याद नहीं इसके कहते हैं। अरे यार गिर जाना भाई साहब, बस तुम बहुत मेहनत लग रही है भाई, कहाँ गया? अरे शिट यार ये उधर चला गया भाई, उसके लिए हमें प्लैंक की चाहिए, प्लैंक की नहीं गाइस मुझे प्लैंक चाहिए, प्लैंक का एक पटरा होता है गाइस, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। और मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, वो गाइस नीचे है, सबसे नीचे। अभी चलते हैं उसको लेते हैं, ऊपर आते हैं, उसको लगाते हैं। और गाइस 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 थोड़ा बहुत सपोर्ट करो भाई के, वीडियो शेयर करो। और गाइस हमने ये ले लिया, प्लैंक है ये, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, आप लोगों ने तो कभी देखा नहीं होगा ना भाई, हमने तो कभी ना देखा। गाइस ये मेन बहुत चल रहा है इस समय,
ट्रेंडिंग पे भाई साहब। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे जिसने भी नहीं फॉलो किया गाइस मुझे फॉलो कर लो पूरा सामने भाई साहब। अभी इसको छोड़ते हैं उस रूम में, देखते शायद हमारे काम की कोई चीज़ निकल रहा है। ये क्या है ये गाइस? ये ब्रिज में लगता है, ब्रिज को नीचे करने के लिए। अभी हम अपना वॉस उठाते हैं और चलते हैं, इसमें तेल भरते हैं भाई। बच जाऊँ, घर जाऊँगा घर जाऊँगा। अरे यार आराम से। ओके गाइस हम लोग उधर से निकल आए हैं, अभी चलते हैं नीचे किचन में, इसको इसमें तेल भरते हैं गाइस। और अरे यार शर्ट मिस्टेक हो गई गाइस, हमने सोचा कि ये शायद ऊपर होगा इसीलिए इसका हमने स्विच दबा दिया। यहीं पर रुकते हैं, इसको ऊपर जाने को कोई नहीं। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं, इसमें तेल भरते हैं तब तक कि वो भी नीचे आ जाएगा। ओके गाइस हमने इसमें तेल भर लिया है और इसकी बटन दबा के हम लोग चलते हैं यहाँ से फटाफट से नीचे, इसको लगाते हैं। और उसमें शायद क्या निकल सकता है गाइस, गेस करो क्या ही निकलेगा उसमें। मुझे लगता है एक्सीलेटर, क्योंकि गाइस मैं हाँ शायद एक्सीलेटर ही निकलेगा उसमें। क्या निकलता है देखते हैं, इसे बंद कर देते हैं। खुल गया सिम सिम इलेक्ट्रिक स्विच। ओ भाई साहब ये नीचे लगता है भाई साहब। हाँ ये इलेक्ट्रिक स्विच है, इसे नीचे लगाते हैं। मेरा सख्त तो गलत निकला गाइस, बट जो कुछ निकला सही निकला। इसे लगाते हैं, उठा देते हैं गाइस इसे। और गाइस अभी फटाफट से हमें चाहिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एक्सीलेटर की गाइस। मुझे पता नहीं याद नहीं मुझे कहाँ पर है, जहाँ भी होगा ढूंढेंगे उसे और फटाफट से लेकर वापस आएंगे भाई। भाई ग्रैंडपा भाई साहब इतनी खतरनाक, भाई इतना खतरनाक सीन हुआ यार कसम से। एकदम जस्ट सामने खड़ा था गाइस ग्रैंडपा मेरे, खड़ा नहीं था मतलब आ रहा था भाई साहब एकदम। और डर गया भाई साहब मैं यार, कहाँ पर होगा भाई, इसमें क्या पता नहीं यार, उसमें तो नहीं था कर, इसमें देख लेते हैं। रहा भाई साहब एक्सीलेटर, भाई साहब एक्सीलेटर तो मिल चुका है हम लोगों को और हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए हैं। इसे लगा देते हैं गाइस, चाहूँ तो मैं अभी इसके कर सकता हूँ, बस ये वाला डोर मुझे बंद करना है और हमारी ट्रेन चल पड़ेगी। और गाइस अभी तक कि मैंने आपको वो सच नहीं बताया जो मैंने आप लोगों से छुपा कर रखा था, कि वो सच है ये गन हम लोगों की, ये शॉर्ट गन हम लोगों की नहीं गाइस, ये शॉर्ट गन ग्रैंडपा की है जिसे हम चुरा कर लेकर जाएंगे गाइस। हमने इसको चोरी करने का प्लान बना रखा है, पूरा सेटअप है गाइस। अभी हम लोग उसको लेकर नीचे आ गए हैं, फटाफट से अपनी ट्रेन में पहुंचते हैं, इस शॉर्ट गन को हम लोग चुरा लेंगे गाइस। यही था आखिरी का इंटरेस्टिंग चीज़, आप लोगों ने तो कभी देखा नहीं होगा तो हम दिखा देंगे, कोई नहीं। ओके गाइस एक्सीलेटर दबाया और हमारी ट्रेन स्टार्ट और हमारा एस्केप हो जाता है यहीं से ख़त्म। और गाइस आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना भाई। ओके गाइस चलते हैं, दुआ में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।